प्रकृति ने जंगल के नियमों को अनोखा बनाया है, जहां बड़े जानवर अपने इलाकों पर कब्जा कर लेते हैं और दूसरों को वहां पर आने तक नहीं देते। इनमें से मांसाहारी और खूंखार जानवरों का कब्जा पूरे इलाकों पर रहता है और वह यहां का राजा बन जाता है। वह छोटे जानवरों को अपना शिकार बनाकर अपनी भूख शांत करते हैं और वहां पर फिर मजे से रहते हैं। लेकिन तब क्या होता होगा जब दो विशाल और ताकतवर जानवर ही आपस में भिड़ जाते होंगे? तो आज की इस वीडियो में हम आपको हाथी और गेंडे के बीच जबरदस्त लड़ाई के बारे में बताने वाले हैं और हम इनसे जुड़ी कुछ जानकारियों को भी जानेंगे, इसलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो ये जानने के लिए कि हाथी और गेंडे में कौन सा जानवर ज्यादा शक्तिशाली है, हम इन दोनों से जुड़ी कुछ जानकारियों को जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइनो की। तो गेंडा एक स्तनधारी जीव है। वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार गेंडा पिछले 5 करोड़ सालों से धरती पर मौजूद है। गेंडा की 5 प्रजातियां दुनिया में पाई जाती है। 3 प्रजातियां एशिया में और 2 प्रजाति अफ्रीका में पाई जाती है। गेंडा की खास बात उसका सिंग होता है, जो कि बालों का एक गुच्छा होता है और ये सिंग काफी मजबूत होता है। भारतीय गेंडा और जावन गेंडा के केवल 1 सिंग होते हैं, जबकि बाकी के 3 प्रजातियों के 2 सिंग होते हैं। गेंडा 11 फुट लंबा और 6 फीट ऊंचा जानवर होता है। गेंडा की उम्र तकरीबन 50 साल तक की होती है। गेंडा का वजन लगभग 2 से 2.5 टन के आसपास होता है, लेकिन कुछ गेंडे 3.5 टन से भी भारी हो सकता है। गेंडा की त्वचा बहुत ही ज्यादा मोटी होती है, लेकिन सेंसिटिव भी होती है, इसलिए सूरज की गर्मी से बचने के लिए गेंडा कीचड़ में लौटता रहता है। गेंडा शाकाहारी जानवर है, जो घास पत्तियों और वनस्पति को खाता है। भारी शरीर होने की वजह से गेंडा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। गेंडा की सुनने और सूंघने की शक्ति अच्छी होती है, लेकिन देखने की शक्ति कम होती है। गेंडा के झुंड को क्रैश कहा जाता है और ये आपस में लड़ते रहते हैं, जिससे इनकी मौत भी हो सकती है। और गेंडे काफी आक्रामक किस्म के जानवर होते हैं। दूसरी तरफ हम बात करें एक हाथी की, तो हाथी पृथ्वी पर मौजूद सबसे विशाल जानवरों में से एक है। इसे धरती का सबसे ताकतवर जानवर भी माना जाता है। आमतौर पर ये एक जंगली जानवर है, हालांकि ये उचित प्रशिक्षण के बाद चिड़ियाघर में या मनुष्यों के साथ घर में एक पालतू जानवर के रूप में भी रह सकता है। हाथी सदैव से ही मानवता के लिए एक बहुत ही उपयोगी जानवर रहा है। इसका रंग आमतौर पर स्लेटी रंग का होता है। इसकी चारों पैर विशाल स्तंभ की तरह लगते हैं और 2 बड़े कान पंखों की तरह लगते हैं। इसकी आंखें शरीर की तुलना में बहुत ही छोटी होती है। ये एक लंबे सूंड और एक छोटी पूंछ रखता है। ये अपने सूंड के माध्यम से बहुत छोटी सी छोटी सुई जैसी वस्तु और भारी से भारी पेड़ों या वजन को उठा सकता है। यह सूंड के दोनों तरफ एक एक लंबे सफेद दांत रखता है। हाथी जंगलों में रहते हैं और आमतौर पर छोटी टहनियों, पत्तियों, भूसा और जंगली फल खाते हैं। हालांकि पालतू हाथी रोटी, केले, गन्ने आदि भी खा सकते हैं, क्योंकि ये एक शाकाहारी जंगली जीव है। हाथी पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़े जीवों में से एक है। सामान्य ये जंगलों में रहता है, हालांकि उचित प्रशिक्षण के बाद इसे पालतू भी बनाया जा सकता है। इसकी ऊंचाई 8 फीट से भी ज्यादा होती है। इस दुनिया में हाथियों की 2 प्रमुख प्रजातियां है, जो कि है अफ्रीकन एलिफेंट और एशियन एलिफेंट, जिसमें अफ्रीकन एलिफेंट का वजन 6000 किलोग्राम तक का हो सकता है।
और अब हम आखिर में ये जानते हैं कि गेंडे और हाथी की लड़ाई में कौन सा जानवर सबसे ज्यादा शक्तिशाली साबित होगा। तो भले ही एक गेंडा कितना भी गुस्से या फिर ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन वो एक हाथी का सामना नहीं कर सकता है। अगर राइनो के पास एक लंबी और नुकीली सिंग है जो कि 4 इंच लंबी होती है, तो हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एलिफेंट के पास उनकी 8 फीट लंबी दांत तो होते ही है, मगर उनके पास उनकी शक्तिशाली लंबी सूंड भी होती है। तो अब हम सभी को ये पता चल ही गया होगा कि इस मुकाबले में हाथी की ही जीत होगी। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको हाथी और गेंडे से जुड़ी कुछ जानकारियों के बारे में बताया है। अगर आपको जानकारी पसंद आती है तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल नोटिफिकेशन भी जरूर दबा दे, ताकि हम ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो और डाल सके।